हम परिहारी हो गए पर हम तेरे कहते भावर जाल रहे खाना प्यारो रटन में पानी न जाना पामन आवर आवत जाना ये देत मन है अभिमाना राम तेरे रावण जहां पर जाता है वहां पर अपना अभिमान चलाता है। एक बार बताते हैं कि बाली के यहां नगर में गया और विरोचन के पुत्र राजा बाली बड़ा आदर किया और कुशल पूछी। तब रावण ने कहा कि अब चलकर शत्रु को पकड़ लो अपने शत्रु को। तो उधर क्या होता है बताते हैं कि ये मुकुट जो रखा ये मुकुट अपने सिर पर धारण कर लो तो हम चलेंगे। या सुनकर रावण बल करके उठाने लगा, उठाने से समर्थ नहीं हुआ। उनका हंसी आ गई और बोला तू क्या जीतेगा, तू यहाँ से अब चले जाओ। उसमें सैयद आगे क्या बढ़ते हैं रावण जब उन लड़कों को देखते खेल रहे होते हैं और उन्हीं में जब रावण को देखते हैं खेल रावण खेलते हुए तो उन्होंने रावण के वो दौड़ कर पकड़ा और नगर ले आए और जिसका कौतुक नगर भर की नर नारी देखने आए कि रावण को बच्चे लोग खेलते जब देखे तो रावण को पकड़ लिए तमाशा करने लगे रावण को। अब बताते हैं कि बामन को देखकर उधर बहुत लज्जा आई और तब कृपा विधान भगवान ने छुड़ा दिया और तुरंत रावण वहां से चला और मन में कुछ लाज और शंका न आई और फिर अपने आप में बताते हैं कि जो कुछ चाहते थे वो कर नहीं पा रहे थे और जहाँ कहूँ विप्र देव दियो जे पावे दंड ले बहु त्रास दिखावे
कि जहाँ पर कोई पूजा पाठ करता हो वहां से जाते हैं और क्या बताते थे, थोड़ा हमारा हिस्सा भी निकाल देना, जैसे नमस्कार कर देना। तो बताते हैं कि जहाँ कहीं देवता ब्राह्मणों को फिरता देखे, दंड ले और बहुत कुछ सिखावे, इसी आचरण सेवा महाबली दुष्ट और उत्पात दिन रात बस घूमता फिरे, उल्टे सीधे काम करे और सब बाली बोला कि बल तुम्हारे ऐसा ही है भाई। बताते हैं तब बाली हंसकर बोले, भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है, अच्छा पति पूर्वक सूर्य की अग्र दे लो तो तुम मुझको जीत कर जाना। उधर बाली से फिर लड़ाई करने की तैयारी की। फिर बाली ने अपने मन में विचारा कि इसे शिव जी ने वर दिया है, मारने से तो मरेगा नहीं। अब तब बाली ने रावण को घर जाओ कहा और हमने तुम्हारी चार प्रकार की हार तो पहले सुनी है। और फिर बताते बाली रावण को बहुत समझाते हैं परंतु इस प्रकार उसने समझी नहीं। अब बाली क्रोधित होकर झपट कर उठे, उठा लिया बल पूर्वक अपने काम में बता लिया और बताते हैं 6 महीने तक ऐसे घूमते रहे और एक दिवस जब बाद देते हैं तो अंगद उनके पुत्र जो है बताते हैं गेम समझ कर खेलने लगे। उधर तारा उनके पत्नी जो है उनको खुला देती, बोले तारा चीन और राव नहीं तेही चन दीन छोड़ाए, जाओ तुरंत लंकेश ग्रह भौरी धरयो कपिराय सियावर रामचंद्र की जय। दो तारा ने रावण को पहचानते ही छोड़ा दिया और कहा कि रावण तुम अपने घर को शीघ्र ही जाओ, नहीं तो कपिराय फिर पकड़ लेंगे इधर, फिर बाली पकड़ लेंगे, फिर बांध देंगे। और फिर रावण बताते हैं कि वहां से अपने ही लंकापुरी की ओर चले जाते हैं और बताते हैं जाकर जल छोबे दशीता पढ़े मंत्र सुमीर जगदीशा। रावण जाकर जल छोबित किया और अर्थात रोक लिया और इस प्रकार से शिव मंत्र पढ़कर समझ लिए। एक बार ऐसे बताते हैं कि जल रोक लेते हैं या उधर नीचे कुछ नारी लोग क्या है कपड़े मंजन कर रहे थे और जब देखते हैं प्रदीप्त करे रंभादिक नारी दसो माथ दस दीपक बारी, मुनि पुलस्त सब जाए छोड़ावा मुनि नल साप आई दे पावा। तब पुलस्त मुनि जी ने जाकर उसको छोड़ाया और फिर आकर नल से साप दिया। बोले मारने जात ही देखे अति अनुपम सुंदरी नारे, चंदन पुष्प रूप पत्र करे पूजन चले पुरार सियावर रामचंद्र की जय। और मार्ग में जाते ही रावण ने एक अनुपम अति सुंदरी स्त्री को देखा है और चंदन फूल पत्र हाथ में लिए शिव जी का पूजन करने जा रही थी और उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया। उधर बताते हैं शराब दे देते हैं कि तेरा मौत अब निकट आ गया है और रावण ऐसा मतवाला हो गया था कि विचार नहीं किया जा सकता है और मन में पछताया। बड़ा सोच कर लंकेश्वर रावण लंका को गया और उर्वशी व्याकुल होकर कुबेर की नगरी अलकापुरी में आए और नल कुबेर को जो कुबेर के पुत्र है सब बात सुनाए और नल कुबेर ने आधार को साप दिया रावण का वंश क्षय हो जाए। सांप मूर्ति धारण कर लंका में जहाँ रावण बैठा था वहां पर जाते हैं। जब सांप आकर बताते हैं सामने खड़ा हुआ तब रावण ने देखकर अत्यंत भय से कांप उठा। बोले सांप ही अंगीकार करी मन महा कीन विचार, दंड ऋषि ते लीन नहीं रोसे ओ लंका द्वार सियावर रामचंद्र की जय। बताते हैं कि लोग अपने आप सोचते हैं कि हमने इनसे दंड ले लिया तभी हमारे ऊपर कर रहे हैं, तो चले एक बार लाश लगाए दे फिर कल हम देखेंगे सीता मैया का उत्पत्ति की कथा सुनेंगे। जब जब होता नाच धर्म का और पाठ पढ़े
Jab jab hota na, 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 j